कुल्थी की दाल के कई फायदे हैं। पोषण से भरपूर ये दाल खाने से लेकर आयुर्वेद में सभी जगह इसके इस्तेमाल की दोस्तों बात की गई है। कुल्थी की तासीर गर्म होती है और ये आसानी से पच भी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कुल्थी के कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम होता है उन्हें रोज कुल्थी की दाल दोस्तों जरूर खानी चाहिए। इसमें मौजूद फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और अमीनो एसिड शरीर में स्पर्म काउंट को दोस्तों बढ़ाते हैं। महिलाओं को मासिक के दौरान इस दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। ये पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग को कम करता है और जिन महिलाओं को अनियमित पीरियड्स होते हैं उनके लिए ये दाल बहुत ही लाभकारी होती है। दोस्तों सर्दी और जुकाम में इस दाल का सूप पीने से फायदा होता है। ये नाक को साफ करने में मदद करती है जिससे सांस लेने में आसानी होती है। साथ ही शरीर का इम्यून सिस्टम भी दोस्तों ये मजबूत करती है। पाचन को ठीक करने में ये दाल बहुत ही लाभकारी होती है। अगर पेट फूलने की समस्या है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज के लोगों के लिए ये दाल बहुत ही लाभकारी होती है। रोजाना इसका सेवन करने से खून में ग्लूकोज का लेवल दोस्तों सही रहता है। कुल्थी की दाल में दोस्तों फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है जिससे ये कब्ज में मददगार होती है। जिन्हें अक्सर दोस्तों कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें रोजाना इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके शरीर में पथरी है तो पथरी की समस्या के लिए ये दाल बहुत ही लाभकारी होती है। कुल्थी में विटामिन ए पाया जाता है जो कि पथरी को गलाता है। पथरी खत्म होने के बाद भी इस दाल का सेवन करना चाहिए ताकि पथरी दोबारा न हो। कुल्थी में दोस्तों अनेक फायदे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को कुल्थी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दोस्तों टीबी का इलाज करा रहा हो उसको कुल्थी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वे लोग जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भी भूलकर भी कभी कुल्थी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था कि अगर आप कुल्थी का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।